हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द होम्यो स्टेशन। मेरा नाम है आमिर हमज़ा और आज हम बात करेंगे साइटिका के बारे में। साइटिका एक डिजीज्ड कंडीशन है। इसके अंदर कमर के निचले हिस्से से लेकर और पैर की एड़ी तक और उंगलियों तक बहुत तेज़ दर्द होता है। इस कंडीशन के अंदर दर्द इतना तेज़ होता है कि ऐसा लगता है कि ये पार्ट बिल्कुल फट जाएगा। एकदम ब्रस्टिंग पेन होता है, ऐसा लगता है कि जैसे बिजली दौड़ गई हो इसमें। और ये पेन जो होता है ये ज़्यादातर रात में होता है, फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि मेल्स में नहीं होता, मेल्स में भी होता है, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन ये फीमेल में ही पाई जाती है। और साइटिका का जो पेन है इसमें ये रहता है कि ये एक पर्टिकुलर टाइम पे आता है। किसी को सुबह में होगा, किसी को शाम में होगा, किसी को रात में होगा। ज़्यादातर साइटिका की कंडीशन जो है सर्दियों में बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, उस वक्त बहुत तेज़ पेन होता है। तो आइए जानते हैं कि साइटिका होता किस वजह से है। तो साइटिका ये कंडीशन हमारी साइटिक नर्व जो होती है, जो एक साइटिक नस होती है जो कमर के निचले हिस्से से निकल के और पैर को सप्लाई करती है, तो उसके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई इंजरी हो जाए या फिर इन्फ्लामेशन हो जाए, वो किसी वजह से दब जाए, तो उस कंडीशन की वजह से ये जो साइटिका का पेन है ये होता है। अगर साइटिक नर्व दब गई है तो उस वजह से भी साइटिका का पेन हो सकता है, या फिर कोई मैकेनिकल इंजरी हुई है, जैसे कि कमर के अंदर बहुत जोर का कोई झटका लगा है, या फिर कमर में चोट आई है, या फिर कोई बहुत भारी वज़न उठाते वक्त कमर में कुछ महसूस हुआ है, कोई तकलीफ़ हुई है, तो इन कंडीशंस की वजह से साइटिका का पेन हो सकता है। कोई इन्फ्लामेशन हुआ हो कमर में या साइटिक नर्व में, तो उस वजह से कि अगर साइटिक नर्व में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन में साइटिका का जो पेन है वो हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि साइटिका पेन का ट्रीटमेंट क्या है, इसकी कौन कौन सी मेडिसिन हैं और कितनी कितनी डोज हमें इसकी लेनी है। तो आइए जानते हैं साइटिका के ट्रीटमेंट के बारे में। तो साइटिका की जो फर्स्ट मेडिसिन है वो है डॉक्टर रेकवेक की R71 ड्रॉप्स। तो R71 ड्रॉप्स जो है ये साइटिका के पेन में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। R71 कुछ मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि कोलोसिंथ, आर्निका, एकोनाइट, मैगफॉस। तो ये कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो साइटिका के पेन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मेडिसिन है। R71 ड्रॉप्स के साथ साथ हम आर्निका 200 पोटेंसी में अगर लेंगे तो साइटिका के पेन में बहुत ही जल्दी आराम हो जाएगा, और धीरे धीरे इसका अगर कोर्स करेंगे तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो R71 की 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधा कप पानी में ले, और इसी के 5 या 10 मिनट का गैप ले गए आर्निका 200 की भी 10-10 बूंद दिन में 2 बार ले। R71 की 10-10 बूंद दिन में 3 बार लेनी है और आर्निका 200 की 10-10 बूंद दिन में 2 बार लेनी है। अगर इसी तरीके से अगर हम अपना इलाज करेंगे किसी पेशेंट का या किसी जानने वाले का, अगर हम उसको ये बताएंगे तो ये 2 या 3 महीने के अंदर ही ये कंडीशन बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर आपको साइटिका के से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।